हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली क्या होता है, मिस दिव्या कुमार होता है। एक दिन कोई एक शूट था बहुत पुराना, ये सोनी मतलब भरत भाई उसमें थे, तो मेरा एक वैनिटी था जिसमें दिव्या लिखा हुआ था, सिर्फ दिव्या, जिसने वो माइक मैन आया जो माइक लगाने वाला होता है, बड़ा एक्साइटेड है, दिव्या मैम को माइक लगाना है। वो अंदर आया, मैं बोला ले मैं ही हूँ। अच्छा आप है क्या, ठीक है मैं आता हूँ, किसी और को भेजा उसने माइक लगा। ये असली दिव्या कुमार, ये इतनी मस्ती करता है, इतना बोलता है आपको। एक सच बात बताऊँ, हम तो मतलब इसके साथ उठते बैठते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं। आप एक रूम में दुनिया भर के परकशन रख दो, दिव्या कैन प्ले ऑल ऑफ इट। अच्छा, सो टैलेंटेड, क्या बात है। मेरे डैड म्यूजिशियन है सर, मुझे मतलब मैं उन्हीं की दुनिया में पला बड़ा हूं, वो जो सामने बैठे हैं तो ये सारे मेरी दुनिया वही। नहीं ये नहीं बजाते। अच्छा, आफतों के परिंदे हवन करेंगे, शेकियो बूटी, आपने जो कमाल के गाने गाए हैं, इतने सुपरहिट सॉन्ग्स हैं, आप गाने की वर्डिंग देख के गाना सिलेक्ट करते हो कि चेक देख के? चेक तो देखा ही नहीं है। चेक तो नहीं, चेक तो मिलता ही नहीं। बट नहीं सर, मैं अपॉर्चुनिटी देख के करता हूँ, लिरिक्स क्या है, कौन है, क्या नहीं है। क्योंकि जो सपना मॉम ने देखा था कि ये वो रोज़ सुबह पूजा करती है, ये सपना देखती है कि भाई ये इसके साथ गाना कर ले, उसके साथ गाना कर ले, इसके वो सारे मैं टिक मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले उन्होंने कपिल शर्मा के शो में जाए ये भी मांगा था, तो ये बात पे मैं जरूर कहूंगा, आज अगर सबसे खुश और सबसे डिसअपॉइंटेड एक आदमी है वो मेरे डैडी है। खुश इसलिए क्योंकि वो सुबह से रात तक सिर्फ कपिल शर्मा शो देखते हैं, तो आज वो बड़े खुश है कि मैं आया हूँ, और वो डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि उनको साथ आना था, बट ही सीनियर सिटीजन तो अलाउड नहीं है। पर शुक्रिया अंकल, आपने हमारा ये टैलेंट को पहचाना, आपका बेटा तो हमसे पैसे मांग रहा है। सचिन जिगर और दिव्य कुमार जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। वेरी नाइस, बहुत बड़ी पेन, वेरी नाइस शूज, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अरे क्या गाना दिया आपने, जॉनी जॉनी जी, मस्त। गाने में अक्षय कुमार जी थे, मेरा भाई भी था कृष्णा, क्या डांस किया था उसने। मैं सच्ची बोलती अर्चना जी, जब ये गाना रिलीज हुआ ना, जिंदगी बदल गई। अच्छा, उस कुत्ते की, मैं तो अभी भी लड़की बनकर घूम रहा हूँ। आशीष जी बैठी, वेरी नाइस, बिग फैन। सचिन जिगर दिव्य कुमार, दिव्य कुमार जिगर सचिन, तो ऐसा कितनी बार भी कर, जिगर बीच में ही आते। मेरे को बहुत अच्छा लगा, सचिन जिगर क्या बात है, बहुत अच्छा। सचिन जिगर दिव्य कुमार क्या बात है, सचिन जिगर के साथ आए, जिगर सचिन के साथ आए, दिव्य कुमार जी आप किसके साथ आए? अरे तीनों एक साथ आए हैं। नहीं नहीं, बाइक पे ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है। अरे गाड़ी पे आए हैं वो। अच्छा, आप तीनों ने मिलके एक गाड़ी खरीदी है? हाँ, तीनों के पास अपनी अपनी गाड़ी है। तो एक गाड़ी में क्यों नहीं आए आप लोग? वो कैसे भी आए, तेरे को क्या लेना देना है? हाँ तो मेरा गाड़ी वालों से ही लेना देना है, साइकिल वालों से लेना देना नहीं है। इनके पास कौन सी साइकिल है? अरे बहुत कमाल की साइकिल है, आपने देखा इनका साइकिल? इनका ना साइकिल का चेन खराब हो गया था। अच्छा। तो चेन हटा के उसमें सांप डाल दिए। हाँ। पहले इनकी साइकिल ऐसे चलती थी, ए, 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 अब ऐसे चलती है। पिस, पिस। कल तो मालूम है कितना प्रॉब्लम हो गया, ये फिल्म सिटी का जो गेट है ना उस पर 4 घंटे खड़ी थी। क्यों? अरे वो सांप ने नेवला देख लिया, वो भाग गया। फिर 4 घंटे बाद सांप आई, शूटिंग पे लेट आई मालूम है। अच्छा। चल झूठी साइकिल में सांप कौन लगाता है? अच्छा सांप वाली बात पे तेरे को विश्वास नहीं है? नहीं। तो दूसरी वाली बात पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। कौन सी? वो जो साइकिल है ना, उस पे गद्दी नहीं, गीदड़ बिछा के बैठती है उसके ऊपर। ए झूठ बोल रही तू, साइकिल उनके पास है नहीं, इन्होंने तो ऊंट को पैंडल लगवाए हुए हैं। साइकिल इनको छोटी पड़ती है ना, घुटने घिसते। खैर आप लोग का तो मजाक चलता रहता है, आप टेंशन मत लेना, कोई नहीं, तबीयत ठीक हो जाएंगी, कोई नहीं। ऐसा सुबह उठने का, मस्त गर्म पानी में ना ऐसा हनी डालने का, उसमें तुलसी डालने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अरे मैंने सुना है जिगर माँ बड़ी आ गए। क्या बात है। कोई बात नहीं, आपको तो एसिडिटी का प्रॉब्लम, एसिडिटी का एसिडिटी भी होगी ना, कैसी भी डिटी हो हम लोग उसको ठीक कर देंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं।
लेकिन आपकी एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। क्या? ये राहुल रॉय की गर्लफ्रेंड को आपने अपने घर पे क्यों रखा है? क्यों? अरे वो खुद बोल रहा है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कौन है वो? अरे वो गाना है। अच्छा अच्छा वैसे है। हाँ। ओके, वही गाने के बहाने ना सब बोलते रहते हैं लोग, मैं बहुत शाने में जानती। खैर एनीवे, सचिन जिगर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सचिन, बुरा मत मानना। अभी अजय अतुल आए थे उनको भी मैंने यही बोला था। वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग को बोलना पड़ता है। ए सपना, तू यहाँ करने के आई है? एक्चुअली मेरा उधर नालासोपारा में हम लोग रहते हैं। अच्छा। हम लोग का काम है उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। और दूसरा भी बिजनेस है हम लोग का। ये बिजनेस से का ये तो स्टेटस वाला है। हाँ, हम भोजपुरी फिल्में भी बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हमने स्क्रिप्ट लिखे, अगर आप इस पे म्यूजिक दें तो अच्छा रहेगा। कौन सी फिल्म? एक टाइटल है हमारा, देवरा दबाए ट्रिगर, सैया हमार सचिन जिगर। फिर हमारा एक और पिक्चर है, दूध निकला बोतल से, भौजी भागी होटल से। ये पारिवारिक फिल्म है, अगर इस पे आप कर सकते। फिर एक है हमारा, सैया जी खिला के चाट, रात भर मारे फाट। इस फिल्म में एक मिनट, सैया जी खिला के चाट, रात भर मारे फाट। हाँ, क्या इसमें ऐसा आप म्यूजिक नहीं देंगे चलेगा? Okay. इसमें गोली दे दो, हम लोग को गैस का प्रॉब्लम होता है हम लोग को। नहीं सच्ची में, क्योंकि क्या पैसा तो कोई भी कमा लेता है अर्चना जी, सेहत जो रहती है वो सबसे बड़ी चीज रहती है ना। आज मैंने ज्ञान की बात की ना कप्पू। हाँ। है ना, तो ये ज्ञान की बात आप दोनों मत रखना, दिव्य जी आप अपने पास रखना। क्यों? क्योंकि आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। मेरा छावा है मुकेश। हाँ, नाला सुपर में रहता है वो, अलग अलग वो इंस्ट्रूमेंट सब बजाते हैं। हाँ, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट वो नहीं बजा पाता, वो ऐसे रहते ना, वो हारमोनियम नहीं, गिटार। अबे गिटार तो ऐसे बजता है। हाँ, यही बात इसको बता। मेरा चावा तो बहुत टैलेंटेड है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा बजा लेता है, वो बांसुरी नहीं तबला, एक तबला आगे एक तबला पीछे ऐसा बजाता है वो। बहुत टैलेंटेड है वो। इतना टैलेंटेड हो तो वो भी कर लेता होगा। वो झुंझुना है? नहीं नहीं, ऐसे दीवार गाड़ी की ठोक के भीख मांग लेता होगा। कोई बात नहीं, वो गाड़ी ठोक के पैसा कमाता है, किसी की ठोको ताली ठोक के पैसा नहीं कमाता है। एक्चुअली ना आप तीनों मेरे को नाला सुपर में लगेंगे। अच्छा। हमारा ना उधर सम्मान समारोह होता है। अच्छा। 10 साल से हम बड़े बड़े लोगों का सम्मान करते हैं। तो अगर इस साल आप तीनों आ जाएंगे तो प्लीज मुझे सम्मानित करिएगा। तूने कौन सा बड़ा काम किया? मैंने कल ही मटर छीले हैं। ये कौन सा बड़ा काम हुआ? अरे भैंस के मुंह से छीन के छीले हैं। अब इससे बड़ा क्या, हाथी के मुंह से छीनू मैं? क्या बात करते हैं। ओ माय गॉड, क्या हुआ? वो आ गया। क्या? मेरे मसाज का टाइम। किधर पार्लर है मेरा चलाती हूँ, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। अच्छा। आप लोग तो म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, तो आपके लिए पहला मसाज है क्रिकेट पे। ओए, क्रिकेट के ऊपर क्या? मजाक कर रही थी। म्यूजिक के लोग क्रिकेट की बात थोड़ी करेगी। मेरा पहला मसाज है कुश्ती पे। कुश्ती में म्यूजिक का क्या लेना देना? हाँ, यही दंगल वालों को समझा। कुश्ती के पिक्चर बने उसमें म्यूजिक डाल दिया। इसी दोहरी मानसिकता का विरोध करती हूँ मैं सच्ची बता रही हूँ। नाला सुपारा में मेरा दो इंच काम है, एक मसाज करना और एक विरोध करना। विरोध मैंने कर दिया, अब मैं मसाज करी। विरोध ठीक किया ना मैंने? बहुत अच्छा। तो हमारे पास आपके लिए मसाज, आपके तो मस्त मस्त गाने। दिव्य कुमारी जी, आप किसके साथ आए? अरे आपके लिए स्पेशल मसाज है, कमरिया मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं कस्टमर को हम तेल लगाती है और मैं मसाज नहीं करती, मेरी फ्रेंड है रिया, तो वो आती है दरवाजे पे, मैं उसको बोलती कम रिया। तो वो आती है हमारे पास में, मैं बोलती है ये जो कस्टमर है इसने पूरा पैसा ही नहीं दिया है, इसका कम मसाज करना।
तो वो पैर पे चालू करती है मैसेज, मैं बोलती पैर हो गया आपका मरिया। ऐसा आपको मजा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी तो टीआरपी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपके लिए स्पेशल मैसेजिंग, आपने वो बदलापुर का मस्त क्या मस्त गाने देते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छी। आपका वो गाना बहुत अच्छा लगा था मेरे को, जुदाई। अच्छा हाँ, क्या बात है। तो वो जुदाई मसाज है कप्पू हम लोग के पास। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, चमेली का तेल और करेले का तेल ये मिक्स करते हैं और कस्टमर के सर पे जोर से लगा के ऐसा ऐसा रगड़ते और जू मर जाती। जुदाई 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 मैं भी चलती है, मेरे को मेरे जाने का टाइम हो गया। बड़े बड़े लोग आते हैं ना, अभी वो आपके सिंगर आए थे हमारे पास में, उषा उत्तुप जी, हाँ तो वो आए थे, वो जाते जाते अपना उत्तुप छोड़ गए मेरे पास। इतना प्रॉब्लम है, अभी सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, वो चटनी लेके बैठेंगे, उत्तुप कौन देगा। तो मैं चलती हूँ। और तेरा धंधा कैसा चल रहा है? बहुत ठीक, सुबह से फ्रूट लगा के बैठते, एक भी नहीं बिकता तेरा। क्या बात है भाई, आपकी आवाज में जो किसने आपको कहा ना दर्द है, वाकई वो आता है, मतलब जब आपका मन करता है ये तो नचा भी देते हो आप लोगों को, मतलब फ्लेवर है भी बंदे का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिव्या तुमने बोला कि तुम क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली से हो जी, तो मतलब कितना रियाज करना पड़ा ऐसे गाने के लिए? ऐसी आवाज के साथ कोई रियाज नहीं करना पड़ा बट मतलब क्लासिकल बैकग्राउंड एज ए ना, मेरे ग्रैंडफादर पंडित शिवराम वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनकी वजह से, उनके 8 बच्चे थे, मतलब उस जमाने में नहीं होते थे टीवी वगैरह, तो उनके 8 बच्चे थे, तो वो 8ों के 8ों ही म्यूजिशियन है। और मेरी जो भी गायकी या जो भी मेरा म्यूजिक जितना भी थोड़ा बहुत है वो बिना सीखे है, वो बस उनके आशीर्वाद से है। वाह क्या बात है। अच्छा मेरे दादा को आता भी नहीं था गाना, लेकिन बच्चे फिर भी 4 कंट्रोल देखिए। मतलब बट वो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो थोड़े, हाँ नहीं बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं। पाजी मेरे पास ना कुछ सवाल है आपके चाहने वालों के, तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने किया कि नहीं किया, तो ये आप रख लें अपने पास, अगर आपने किया होगा तो ऐसे कर देना, नहीं किया तो ऐसे कर देना, ठीक है जी। कभी किसी लाइव शो में ऑडियंस ने वियर्ड सी डिमांड या हरकत की है आप लोगों के साथ? क्या थी वो हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में बता सकता हूँ, एक लड़की ने उसको उसकी टाई से ऐसे नीचे खींचा और उसको ऐसा बोला I want an autograph. Oh ho! No? No? वो no कह रहे हैं। वो no बोल रहा है। हाँ, वो इसलिए no क्योंकि उसने उसको भी बोला कितना पैसा देगी दोस्तों। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत ही weird हुआ। मैं actually एक बिहार में मुझे perform करना था। अच्छा। पीछे free audience थी और आगे कुछ guest की audience होती। अब बिहार में आप जाके पंजाबी गाने गा रहे हो, मतलब मैं हम जो मेडलीज गाते हैं तो वहाँ की ऑडियंस नाच रही है, अब वो मज़े में नशे में सब लोग, मैं गा रहा हूँ अपने जोश में, सामने कुछ 2 आदमी लोग थे तो बाद में ना उसको देखा मैंने, मेरे मैनेजर खड़ा था, मतलब भाई क्या बोल रहा है जरा देखो, जा नहीं पा रहे थे नीचे, तो थोड़ी देर बाद वापस देखो दे मैं क्या बोलने की क्या चल, मतलब 1 सेकंड म्यूजिक क्या क्या मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं गा रहा हूँ नीचे से उन्होंने कुर्सी का फेंकने का एक्शन किया से। ओह गॉड। मैं कहा अरे रुक जाओ भाई, क्या क्या सुनना चाहते हैं? चिट्टिया कलाइया गा। बोले भाई गाना पड़ेगा नहीं तो कुर्सी पड़ेगी, तो मैं गा रहा हूँ वो गा रहा डांस कर रहा भाई तू शांत हो जा सर, ऐसी वियर्ड। दलेर पाजी ने मेरे को एक किस्सा सुनाया था, बोलते जब नया नया ना दलेर मेहंदी, जब वो बोलते कि मैं ये पॉप वॉप नहीं गाता था तो गजलें गाते थे वो, तो बोलते हमारा गजलों का शो हुआ एक, और एक बंदा बोलते गजल गाने गया, हमसे पहले 2 और गजल गायक थे, तो कहते एक बंदा आया उठ के, वो ऐसे गया 10,000 रुपये रखा और उसके गाल पे काट दिया जोर से, पता नहीं प्यार आया मोहब्बत आई या गजल नहीं पसंद आई, वापिस आ गया
हाँ पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में, दूसरा कोई गजल गाया, फिर गया वो, फिर पैसे बढ़े थे उसके पास, पैसे रखे आगे सर उसके तो कान पे रख दी उसने तो तीसरी बार दलेर पारी जब गए, कहते मैंने बंदा आते हुए देखा, मैंने ना बंद करके हाथ जोड़ दिए, आपको जो चाहिए मैं करूंगा, ये मत करना क्या। कभी आप के साथ किसी ने या आपने किसी के साथ लड़की बनके सोशल मीडिया पे चैट किए? मेरा तो नाम में ही दिव्या है तो मतलब ऐसे लड़के होते हैं, मैम हाउ आर यू, बोला बेटा देख ले ये मैम तो वैसे ही कभी कभी मजे ले लेते हैं कि कभी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी लड़की की खूबसूरती की तारीफ की है? बहुत दिलेर हैं आप तीनों जी, बड़े बाद में ये बोलना पड़ता है कि तू ज्यादा है, बट वो भी हाँ ये कवर करना पड़ता है। एक बार परमीत सर ने की थी अर्चना जी के सामने किसी और लड़की की तारीफ, वैसे तो सब ठीक है लेकिन अभी भी ठंडी जगह में जाते हैं तो रिब में दर्द उठता है। अच्छा कभी शो करने गए हो पैसा देने के टाइम पे ऑर्गेनाइजर गायब हो गया हो? बहुत बार हुआ, आई एम श्योर। यार ये मत किया करो प्लीज, आप लोग कभी किसी आर्टिस्ट को बुलाते रहो ये सब मत किया करो। अच्छा भाजी अफवाहें बड़ी आती हैं जब आप पॉपुलर होते हो, तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, तो जिगर साहब आपके बारे में ये अफवाह है कि गुलजार साहब का गाना बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, ये सुन के आप बड़े खुश हो गए थे क्योंकि आपको लगा था गुलजार साहब आपसे ही बीड़ी जलवाना चाहते हैं। बिल्कुल सच बात है, गुलजार साहब के साथ कौन नहीं काम करना चाहता अगर वो बीड़ी भी जलवा ले अपने लिए मेरे से, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। दिव्या आपके बारे में ये अफवाह है कि टी सीरीज के मालिक भूषण जी आपको दिव्या कुमार खोसला समझ के आपको दिन में दो बार आई एम सॉरी के मैसेज कर देते हैं। आई एम सॉरी, ऐसा सौभाग्य मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ सर। एक अफवाह ये है कि सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म आप दोनों की बायोग्राफी है, क्योंकि फिल्म की तरह सचिन भी नहीं चाहते थे कि जिगर शादी करें, इज इट ट्रू? ये श्योर अफवाह है क्योंकि मैं बताऊं इसके लिए गांव से गोमती आती थी इसके शादी के प्रपोजल के लिए, बल्कि उसका एक वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा। जहाँ जिगर ऐसा बैठा हुआ है और वो लड़की वाले आए हुए हैं, उस वीडियो में प्रिया भी है। अच्छा। हाँ। रियली? तो प्रिया अपने संडे को जिग्नेश ब्रिजेश उनका एक अलग मैट्रिमोनियल चल रहा था इसका, मैंने बोला हेलो जरा यू टर्न मारो एक दूसरे की तरफ देखो। वाह। तो इनकी शादी तो मैंने करवाई, बल्कि मैं जब लड़कियां देखता था शादी के लिए मैं कम से कम 16 लड़कियों को मिला रहूंगा, सबका एक कॉमन सवाल था, तो तमे रोज रात ना काम करो छो, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन हम ऐसे चल रहे हैं, हाँ तमे रोज रात ना काम करो छो, मैं बोला मींस डू यू वर्क एवरी नाइट, सेड हाँ। एक लड़की थोड़ी फॉरवर्ड थी तो पर्सनल लाइफ नु शू था से, मैंने बोला पर्सनल लाइफ मतलब आई विल बी होम, आई डू कम होम राइट, नहीं दिवस में तो प्राइवेसी ना मिले, ओ माय गॉड। दिव्या अफवाह ये है कि आपको संगीत सीखने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बचपन से आप इतने शर्मीले थे कि सुर को छेड़ने से भी घबरा जाते थे। अफवाह बड़ी हो सकता है, मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि मेरे में टैलेंट है और अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ कि टैलेंट है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, और मुझे वो अच्छा लगता है कभी कभी, बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा ये गाना तुमने, अच्छा ये तुमने, अच्छा ये तुमने गाना, मतलब हाँ मैं ही हूँ वो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या है मेरे अंदर जो मैं इतने गाने गा पा रहा हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, क्या बात है, अच्छा। तो ये थी हमारी अफवाहें, इसी के साथ समाप्त होती है। सचिन पाजी, जिगर पाजी, दिव्या पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा मजा आप लोगों से बात करके, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू, अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए और ऐसे एंटरटेन करते रहिए, और कसम है आपको कभी तो मुझे गवाइए। मेरी पुलिस में भी जान पहचान है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, गुड नाइट, शब खैर। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.